तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आइए हमारा शिव शक्ति मोटो, और आज यहाँ एक कंपैरिजन वीडियो शूट कर रहे हैं जो हमारे पास FZ प्रेजेंट है। दोनों ही आपका सेम वर्जन है, FZS V3, और दोनों पे सेम इंजन शेयर्ड है। इनफैक्ट दोनों का सेम फीचर भी आपको मिल रहा है, लेकिन दोनों में प्राइसिंग रेंज का अंतर है, क्योंकि एक मॉडल है जो दोनों को डिफर कर देता है। वो है ये है कि वो वाला जो पीछे FZS देख रहे हो, जो आपको मैट रेट में प्रेजेंट है, वो आपका स्टैंडर्ड एडिशन है, FZS स्टैंडर्ड। एंड जो हमारे पास सामने में खड़ा है वो है FZS डीलक्स वर्जन। तो आज एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे कि दोनों में क्या क्या आपका डिफरेंस है, आपका स्टैंडर्ड एंड डिलक्स वेरिएंट पे। बाकी बात, इंजन दोनों का सेम है, दोनों में आपको ब्लूटूथ फैसिलिटी मिल रही है, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो लॉक फीचर वगैरह, एंसर बैक वगैरह, जो आपका पीछे फीचर दिया हुआ होगा सब पैनल पे जो लिखा हुआ है, देखो राइडिंग हिस्ट्री वगैरह, पार्किंग रिकॉर्ड वगैरह पता कर सकते हो। और इनफैक्ट दोनों में ही आपको ब्लूटूथ लॉक फीचर वगैरह भी दिया हुआ है, तो ब्लूटूथ फीचर दोनों पे। और हाँ, चेंजेस भी दोनों में सेम हुआ है पहले वाले FZS V3 से, कि टेल लाइट कंप्लीट चेंज हुई थी। दोनों में आपको अपडेटेड टेल लाइट्स मिल रहे हैं, बस दोनों का अलग प्राइसिंग रेंज है, क्योंकि एक आपका स्टैंडर्ड वर्जन है हमारा रेड वाला, एंड ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो, ये हमारा डीलक्स वर्जन है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वह शुरुआत करते हैं दोनों को सिमिलैरिटीज से। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों पे सेम इंजन है, अराउंड 150 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक। पावर की बात करें, 12.4 PS का पावर एंड 13.3 Nm का टॉर्क आपको दिया हुआ है। इनफैक्ट डायमेंशंस भी सेम है, 13 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी है दोनों में, और दोनों में आपको सिंगल चैनल ABS वगैरह प्रेजेंट है। फीचर्स जैसा मैंने बताया, ब्लूटूथ दोनों पे आपको सेम दिया गया है। और हाइट वेट की बात करें, तो सैडल हाइट अराउंड 790 mm का है, एंड 135 kg की बाइक है, बाकी 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अब बात होता है कि इतना सब कुछ अगर सेम है, तो फिर प्राइसिंग रेंज में चेंज क्यों है। तो प्राइस रेंज आप लोग को आगे बताएंगे, और क्या बड़ा डिफरेंस है दोनों पे। तो जो हमारा DLX मॉडल है, उस पर आप देखोगे तो आपको कलर स्कीम्स वगैरह जितने भी आए हुए हैं DLX मॉडल के, हम लोगों ने सब पे वीडियो बनाया है, सब आपको ग्लॉस फिनिश में, A to Z जितना आया है, A to Z सब आपको ग्लॉस फिनिश में दिया हुआ है। जबकि FZS V3 जो हमारा स्टैंडर्ड वर्जन है, उसमें आपको सब कुछ मैट कलर में मिल रहा है। अभी जैसा देखो, मैट रेड आपको दिया हुआ है इस वाले FZ पे, कंप्लीट ये आपको मैट रेड आपको दिख रहा होगा, और ये वाला कंप्लीट ग्लॉस ब्लैक में। तो ये तो पहला चेंज हो गया कि आपको उसमें मैट एडिशन मिलता है, इसमें ग्लॉस एडिशन मिलता है। और दूसरे चेंज पे आते हैं, तो अभी मैंने भी बहुत सारा कमेंट देखा कि DLX वर्जन पे आपको LED इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास बल्ब है, और ये वाला अगर आप लोग परचेस करोगे तो आपको LED लगा के मिलेगा। तो बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि LED नहीं लगा के दे रहे, प्राइसिंग में चेंज कर रहे हैं। तो उनसे कहिए कि जितना भी DLX वर्जन आ रहा है ना, सब पे आपको LED लगा के मिल रहा है। इसका जो ऑन रोड प्राइस आप लोग को यहाँ पे मैं बताऊँगा ना, उसमें आपको LED इंडिकेटर्स इंक्लूड रहेंगे। एक ऐसा हो सकता है कि प्राइस वगैरह कम करने के कारण आपको LED इंडिकेटर्स नहीं देते हैं कंपनी वाले, ऐसा जैसा मेरे को बताया गया। बाकी आप एक बार उनसे पूछो कि DLX वर्जन में LED लग के आता है, तो आप हमें LED दें। और हमारे वाले जो शोरूम है यहाँ शिव शक्ति मोटो, यहाँ पे आपको LED लग के मिल जाएगा। बाकी ये एक चेंजेस है कि DLX में आपको LED इंडिकेटर्स मिलेंगे, लेकिन अभी तो बल्ब लगे हुए हैं। बाकी स्टैंडर्ड में आपको एज सिंपल आपको बल्ब इंडिकेटर्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जैसा अलॉय आप लोग देखोगे, अलॉय आपको जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें अलॉय आपको ब्लैक कलर का ही मिलेगा, आपको कोई कलर स्कीम्स नहीं दिया गया अलॉय में। लेकिन जो DLX वर्जन है, उसमें आपको अलॉय गोल्डन कलर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, जो एक अच्छा चार्म लुक देते हैं बाइक को। तो इतना हो गया। उसके बाद फिर हम लोग अगर लोगो की बात करें, तो स्टैंडर्ड लोगो जैसे देखो, जस्ट 3D लोगो है, नीचे ब्लैक में वर्जन 3 लिखा हुआ है, लेकिन DLX वर्जन में आपको देखो गोल्ड पे लोगो दिया हुआ है, एंड गोल्ड एंड रेड फिनिश में ही आपको वर्जन 3.0 लिखा हुआ है। तो ये भी एक डिफरेंस है भाई दोनों पे। फिर सीट कलर आप लोग देखोगे, तो सीट भी आपको चेंज मिल रहा है DLX कलर में। देखोगे तो ब्राउन टाइप का कलर आपको मिल रहा है DLX वर्जन पे, एंड ब्लैक टाइप में आपको मिलेगा FZS V3 स्टैंडर्ड में। उसके बाद पैनल्स वगैरह देखोगे, तो पैनल वगैरह भी कलर चेंज है, यहाँ पर कंप्लीट ब्लैक में है, वो सिल्वर पे है, फिर पीछे भी सिल्वर पे, एंड यहाँ पे भी ब्लैक में आपको दिया हुआ है पैनल वगैरह। उसके बाद रेयर एलॉय जो उसमें आपको ब्लैक कलर का मिल रहा है, उसमें आपको गोल्ड फिनिश में रेयर एलॉय मिल रहा है। और टेल लाइट दोनों का सेम है, जैसा हमें चेंज करके दिया गया था, आपको रेयर में LED टेल लाइट दे दिया गया था। जैसा देखो, ये कंप्लीट टेल लाइट आपको चेंज हुआ है, एंड राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स तो बल्ब में है। और DLX वर्जन में बार बार बोल रहा हूँ कि आपको LED लग के मिल जाएंगे, तो प्राइसिंग रेंज एक बार जब बताएंगे तब आपको बता देंगे A to Z। और उसका भी टेल सेम है, आपको उसको दिखाते हैं एक बार बंद करके। जैसा आप देखो, दोनों के टेल आपको सेम दिए गए, टेल लाइट दोनों में सेम प्रोवाइड किया गया। और एक फ़ायदा है कि अब दोनों में आपको ब्लूटूथ मिल रहा है, तो आपको ऐसे ही स्टार्ट नहीं होगा भाई। जैसा देखो,
ये जस्ट इस तरह से स्टार्ट नहीं होगा। एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट, चौथा राइट करने पे दोनों ब्लिंक किया एंड उसके बाद स्टार्ट होगा। तो देखो ये आपका एग्जॉस्ट नोट हो गया स्टैंडर्ड वाले वर्जन का। चलो अब एक बार DLX वाले को भी स्टार्ट करते हैं। तो ये भी देखो यार ब्लूटूथ लॉक लगा हुआ है तो ये स्टार्ट नहीं होगा ऐसे। तो एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा राइट करने पे दोनों ब्लिंक किया एंड अच्छा इसका लगता है बैटरी लो है इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा। चलो एनीवेज वो तो बैटरी जब चार्ज होगा तो स्टार्ट हो जाएगा आपका, उसको टेंशन नहीं है, आपको बैटरी वगैरह सब चेंज करके मिलेगा, पूरे हेल्दी कंडीशन में आपको बाइक मिलेगा। तो ये तो हो गया भाई थोड़ा बहुत चेंजेस तो हम लोग जो आपको बताएं, बाकी आप लोग को एग्जॉस्ट नोट भी सुनाएं और बाकी हेडलाइट भी दोनों का सेम ही मिल रहा है, पायलट लैम्प वगैरह आप यहाँ पे देखोगे हेड वगैरह कंप्लीट LED सेगमेंट हेडलाइट है एंड पायलट लैम्प दोनों में ही आपको सेम दिख रहा है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट हैंडल कलर्स वगैरह भी सेम है, मिरर्स वगैरह भी सेम है और टेलीस्कोपिक फोक्स, मोनोशॉक सस्पेंशन वो सब कुछ सेम दिया हुआ है दोनों में। आपको ब्लैक कलर का मोनोशॉक सस्पेंशन वगैरह प्रोवाइड किया गया और एग्जॉस्ट नोट भी देखोगे तो उनका डिज़ाइंस वगैरह भी सेम है, कुछ चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, 1% चेंज नहीं है जितना चेंज था हम लोगों ने बताया आपको DLX एंड स्टैंडर्ड में। और टायर डायमेंशंस वगैरह अगर बात करें तो अराउंड 110/80 का टायर मिल रहा है और 17 इंच का एलॉय मिल रहा है आपको दोनों में, और रेयर टायर 140 सेगमेंट का है, 140/60 का 17 इंचेस का एलॉय आपको दोनों में मिल रहा है। तो ये कंप्लीट समझ जाओ आपको जो डिफरेंस था वो हम लोगों ने बताया कि क्या आपको डिफर करता है DLX मॉडल पे एंड स्टैंडर्ड मॉडल पे। DLX मॉडल का अगर फिर से चेंजेस की बात करें, स्टार्टिंग से दोनों का चेंज की बात करें तो पहला एलॉय चेंज आप लोग जैसा फ्रंट में देखोगे, उसके बाद लोगो चेंज है, लोगो उसके कलर, फिर कंप्लीट आपको बाइक की कलर चेंज है, मेटालिक फिनिश में है, एक मैट फिनिश में है, आपका मैट फिनिश में स्टैंडर्ड एडिशन है एंड मेटालिक फिनिश में आपका DLX एडिशन है। पैनल्स का कलर इसमें कंप्लीट ब्लैक है, उसमें सिल्वर दिया गया और सीट कलर चेंज है और टेल लाइट तो दोनों में आपको न्यू लगे हैं पुराने वाले एफजेड से। तो समझ सकते हो आप DLX एंड स्टैंडर्ड में क्या अंतर है। अगर आपको कोई पहचानना है दूर से ही कौन सा मॉडल है तो अगर आप लोग मैट कलर देखते हो ना FZ का तो समझ जाओ वो स्टैंडर्ड है एंड मेटालिक यानी कि ग्लॉस कलर देखते हो तो समझ जाओ वो DLX वर्जन है। तो चलो अब प्राइस वगैरह आप लोग को बताते हैं दोनों का और इंडिकेटर्स वगैरह का जो इशू आप लोग को आ रहा था वो भी सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों बाइक्स आपको अवेलेबल है यामाहा शिवशक्ति मोटो में जिनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो पहले DLX की बात करें तो अराउंड हमें 147,300 का मिल रहा है DLX वर्जन ऑन रोड FZS V3 और जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो हमें मिल रहा है 145,300 का, 2,000 का चेंज है, मतलब 2,000 का आपका डिफरेंस है दोनों पे। और ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ आपको 147,300 ये आपका विथ LED वर्जन है, तो आपको LED इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ लग के मिलेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि आपको बल्ब दिया जाएगा, आपको जब LED इंक्लूड होगा LED इंडिकेटर्स तब आपको इस प्राइसिंग रेंज पे बाइक छोड़ा जाएगा। तो आप लोग पता करो एक बार अपने अपने जगह पे कि जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि LED नहीं देंगे उनसे पूछो कि क्यों नहीं LED मिलेगा, क्योंकि DLX वर्जन पे हमें LED ही मिलेगा और ये प्राइसिंग रेंज भी उसी का है। अगर वो लोग बल्ब वगैरह देते हैं तो ऑन रोड आपका जैसा आ रहा है उस हिसाब से बोलिए आप लोग कि ऑन रोड वगैरह में अगर कुछ चेंज है तो वो बताएं, लेकिन DLX वर्जन में हमें LED दिया जाएगा ये कन्फर्म बात है, ये कंपनी का मतलब लग के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे शोरूम पे नहीं मिल रहा, आपको शोरूम पे लगा के देंगे जैसा मेरी बात हुई है यहाँ वाले शोरूम पे, तो यहाँ पे हमें आपको LED लगा के दिया जाएगा। बाकी बात चलो हम लोग वीडियो करते हैं एंड होपफुली आपको इनके चेंजेस पसंद आए होंगे। जैसा मैंने चेंज बताया 2000 में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है DLX वर्जन में, वो है न्यू लोगो, एलॉय व्हील कलर, सीट कलर और LED इंडिकेटर्स, बाकी मैट जो आपका स्टैंडर्ड कलर है स्टैंडर्ड वर्जन उसमें आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या मिल रहा है। तो बेसिक से अगर बताएं तो जो हमारा FZS पुराना आता था V3 उसको थोड़ा सा टेल लाइट अपग्रेड करके उसको बस स्टैंडर्ड वर्जन बोलकर भेज दिया गया एंड जो DLX वर्जन है ये कंप्लीट न्यू है मार्केट पे। तो चलो हम लोग वीडियो करते हैं एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा हमारा शॉर्ट एंड सिंपल सा एक कंपैरिजन। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ भाई ये फ़ोन से वीडियो बनाए तो थोड़ा सा अगर शेक वगैरह करता है तो उसके लिए आई एम सॉरी। चलो वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।